to show that electric force is conservative in nature. ये टॉपिक हमने प्लस वन के अंदर भी किया था, टू शो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. आपको याद होगा हमने ऐसे किया था, एक ब्लॉक है उसको उठाया हमने, ए से बी पॉइंट तक लेके गए, तो ए से बी पॉइंट तक लेके गए, सीधा ले गए, टेढ़ा ले गए, इंक्लाइन प्लेन पे ले गए, हर बार वर्क डन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमने क्या डिस्कस किया कि वर्क डन अगर सेम है तो जो ग्रेविटी की फोर्स है इज कंजर्वेटिव इन नेचर. स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, वैसे बता दूं स्प्रिंग को अगर आप इनिशियल, अगर आप इसको खींचते हैं और एक्स आई पोजिशन से, एक्सपेंशन से एक्स एफ पोजिशन पर खींचते हैं, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, हाफ के एक्स आई स्क्वायर, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, बस बीच में कैसे मोड़ा, कैसे लेके गए, ये मैटर नहीं करता. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है. कैसे? एक चार्ज है क्यू, सपोज ये चार्ज है क्यू, और ये चार्ज क्यू कहां पर पड़ा हुआ है, एट ओरिजिन पड़ा हुआ है, तो चार्ज क्यू ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हर तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर तरफ बाहर की तरफ जाएंगे. ये पॉइंट क्लियर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ गई, तो हमने सिर्फ इस पोर्शन को ले लिया, वैसे हर तरफ जा रही है. तो इस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया हर तरफ. इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट. ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर, ठीक है यहां तक? तो ए और बी का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इमेजिन करो एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इमेजिनरी चार्ज है क्यू नॉट. तो एक चार्ज, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को अगर मैं ए से बी पे लेके जाऊं और इसका मैं क्या निकाल दूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ए से बी पे जाने का अमाउंट ऑफ वर्क डन, और प्रूव कर दूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इस क्यू नॉट चार्ज को कैरी करने का, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, सिर्फ आर ए और आर बी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है. मैं यही करने वाला हूं इसमें. तो ऐसो इसमें इसको करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए, जैसे सपोज ये आर ए वेक्टर है, सपोज ये आर बी वेक्टर है, ये रहा, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. तो आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर है. अब टोटल वर्क डन निकालना है ए से बी. मैं क्या करता हूं, पहले मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा फ्रॉम पी टू क्यू, फिर इंटीग्रेट करके मैं टोटल भी निकाल दूंगा. तो सपोज मेरा टेस्ट चार्ज यहां से यहां गया कितना, क्यू नॉट, इमेजिन कर लिया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पी से क्यू पे लेके जा रहा हूं, और अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट. इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू. पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, मैं ये यूज कर लेता हूं, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर. डी एल क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, डी एल, मैं ऐसे लेके गया, और यहां पर अगर पूछूं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है, तो क्यू चार्ज क्या करेगा, क्यू चार्ज प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर होगा. और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में और डीएल में एंगल सपोज कितना है, थीटा, तो यहां पर ई और डीएल में एंगल थीटा है, तो राइट एंगल यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन है बस एक ऐसे, तो ई और डीएल को जब ओपन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ई डीएल कॉस थीटा. क्या पॉइंट क्लियर है? और मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां करूंगा, इसमें पी से लेके क्यू तक, क्योंकि मैं अमाउंट ऑफ जो वर्क डन निकाल रहा हूं वो कहां से कहां निकाल रहा हूं, पी से क्यू का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा. कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे. अब इसके अंदर जो वर्क डन, या ऐसे लिख लेते हैं इसमें लेफ्ट साइड पे, दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली मैं वैल्यू इसलिए लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन में क्यू नॉट गिवन नहीं, जो समझाने के लिए लिखा था, तो क्यू नॉट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बस सफिशिएंट है. ठीक है यहां तक? अब मुझे यह बताओ कि यहां पे इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन तो इधर है, ई की वैल्यू कितनी है, तो इस पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है, आर है, क्योंकि आर हर पॉइंट का चेंज हो रहा है, तो ई हर पॉइंट का चेंज हो रहा है, तो कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस आर है, तो ई की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्यू ने यहां पर ई लगा दिया, क्या पॉइंट क्लियर है, तो क्यू चार्ज ने यहां पर ई लगा दिया, डन। नेक्स्ट है, अब यहां पे जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ई डीएल कॉस थीटा, कहां से कहां तक, पी से लेके क्यू तक, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक, क्योंकि ई ई और डीएल में एंगल क्या है, थीटा। अब मुझे यह पता है कि E की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर डीएल कॉस थीटा, और अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं तो लिमिट्स क्या लगाऊंगा, लिमिट्स लगाना चाहता हूं मैं डी आर की फॉर्म में, आर ए आर बी, पर इंटीग्रेशन किस फॉर्म में चल रही है, डीएल की फॉर्म में। एक काम करो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा अगर कैलकुलेट करो तो इमेजिन करो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है टी आर डी आर और ये क्या है डी एल, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी आर डिवाइडेड बाय डी एल, तो डी आर की जगह क्या लिखेंगे, डी एल कॉस थीटा, ठीक। तो मैंने क्या किया, डी एल कॉस थीटा को रिप्लेस करके किसमें कन्वर्ट कर लिया, डी आर में, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने इसमें, और क्योंकि मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं कहां से कहां, ए से बी, तो क्योंकि डी आर की लिमिट है तो ऐसी लिमिट लगेगी, तो इनिशियल लिमिट आर ए से लेके आर बी, तो लिमिट लगेगी यहां पे आर ए से लेके आर बी तक, क्या पॉइंट क्लियर है, अपनी बुकलेट के साइड पर यह लिख लो प्लीज, बुकलेट में प्रूफ थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप प्लीज इसे ऐसे नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है यहां तक, तो अगले स्टेप में काम करेंगे, ये भी नोट कर लेना था, ये साइड पे नोट कर लेना यहां पे कि मैंने कॉस थीटा को क्या लिया था, डी आर बाय डी एल, तो यहां से डी आर इज इक्वल टू डी एल कॉस थीटा, याद आ जाएगा आपको कैसे आया था, ठीक। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 1/4πε0 क्यू, क्या बचा, 1/r² डी आर, कहां से कहां तक, आर ए से लेके आर बी तक, माइनस 1/4πε0 क्यू आर रेज टू पावर -2 डी आर, आर ए से लेके आर बी तक, क्यू इसकी इंटीग्रेशन है आर की पावर -1/-1, कहां से कहां तक, आर ए से लेके आर बी तक, ठीक है। तो इसमें
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपॉन आर, आर ए से लेके आर बी तक। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ऐसे। तो आपने चेक किया ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो किस पे डिपेंडेंट है, आर ए और आर बी पे। तो इसलिए प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्लियर, लास्ट स्टेप में वो कैसे, ये जो वर्क, ये क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आर बी और आर ए की फॉर्म में आया, रास्ता बीच में जो यूज हुआ सब एलिमिनेट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन वैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, आर ए और आर बी बीच में डिपेंड नहीं कर, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, लिखा तो यहाँ भी हुआ है लेकिन चलो आपने अपने उसमें लिख लिया तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पर प्रूव की हुई है यहाँ तक सेम। अब इस चीज़ को प्रूव करने का एक आसान तरीका था लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है करना, पर अगर आप ये करना भूल जाओ तो यू फिर खाली पैसे, बेटर है कि ये कर देना कि अगर मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज ए पॉइंट पर क्या लगाएगा, पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए, और Q चार्ज B पॉइंट पर पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय RB। आप चार्ज को कहां से कहां लेके गए हो, A से B, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो आप अगर वैल्यूज को पुट करें यहां पे दोनों की तो आपके पास ये आंसर आएगा जो अभी आपने बाय इंटीग्रेशन प्रूव किया, चेक कर लो, ये किया था ना, यही आया था ना आंसर, इसमें एक लाइन में आ गया। पर इसमें ये क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है, आपने पाथ कहाँ लिया, आप तो पहले ही अज्यूम कर रहे हो कि इंडिपेंडेंट है, तो आपने प्रूव नहीं किया। तो रास्ते से प्रूव करने के लिए ई डॉट डी एल का मेथड ही रिकमेंडेड है, आपने कम से कम रास्ता तो लिया, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो एक और चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को साइक्लिक घुमाते हो, जैसे ये क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आप मान लो ए पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को उठाते हो क्यू नॉट, उसको इस रास्ते से बी पे लेके आते हो, फिर बी से लेके इस रास्ते से ए पे लेके आते हो, ठीक। तो रूल नंबर वन, जब आप ए से बी पे लेके आते हो पर यूनिट चार्ज, तो जब आप ए से बी पे जा रहे हो तो बी इज फाइनल, ए इज इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। और जब आप बी से ए पे लेके आते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, इन्हें ऐड करेंगे तो वी बी वी बी वी ये सब कैंसल, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आने का और जाने का क्या रहेगा, जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस में जब चार्ज को लेके आओगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक, ये रिजल्ट आपने याद रखा।